रॉयल इनफील्ड हिमालयन के नेक्स्ट जनरेशन को एक बार फिर से टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आने वाले टाइम में रॉयल इनफील्ड के न्यू जनरेशन हिमालयन में क्या कुछ डिफरेंट और न्यू चेंज देखने को मिलने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रॉयल इनफील्ड ने कहा है कि वो हर साल अपनी न्यू मॉडल बाइक को लॉन्च करेगी और 2027 तक हमें और 28 से 30 न्यू रॉयल इनफील्ड के बाइक देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करें न्यू जनरेशन रॉयल इनफील्ड हिमालयन की, तो इसको 2020 के एंड में भी कई बार टेस्टिंग के टाइम देखा गया था, जब उस टाइम हंटर और हिमालयन दोनों को एक साथ टेस्टिंग के दौरान उतारा गया था। और अभी कुछ टाइम पहले रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन को भी डीलरशिप के पास देखा गया है। तो आपको इस साल रॉयल इनफील्ड के काफ़ी सारे मॉडल लॉन्च होते हुए दिख जाएंगे, जैसे हंटर, क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन, रॉयल इनफील्ड क्रूजर और जिसमें अब हिमालयन भी शामिल हो गया है, क्योंकि इस बार फिर से हिमालयन को देखा गया है और इस बार पेनियर के साथ देखा गया है। पिछले साल में टेस्टिंग के दौरान देखा गया था तो उस टाइम पेनियर नहीं लगे थे। वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो मीडिया रिपोर्ट में ऐसा बताया जा रहा है कि अब रॉयल इनफील्ड पेनियर के साथ टेस्टिंग किया जा रहा है, तो ये इसका फाइनल टेस्टिंग है। इसको अब जल्द ही जल्द कंपनी लॉन्च करने की तैयारी में लग चुकी है। अभी जो इमेज निकल कर सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि ये रोड वेस्ट हिमालयन होने वाली है। तो अभी आप जो न्यू इमेज देखें, तो इमेज में अगर आप लुक को देखें, इस बाइक के लुक को देखें, तो ओवरऑल लुक पहले की तरह बिल्कुल सेम है। छोटा सा चेंज देखने को मिल रहा है जो कि है पेट्रोल टैंक के पास में, वहाँ पे आपको एक छोटा सा चेंज देखने को मिल रहा है। बाकी जो लुक है वो ओवरऑल ओल्ड वाले मॉडल से ही मिलता जुलता लुक है। उसके बावजूद भी न्यू जनरेशन हिमालयन में छोटे मोटे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि फ्रंट में देखें तो छोटे टायर इसमें दिया गया है, जबकि जो स्टैंडर्ड वर्सन हिमालयन है उसके फ्रंट में 21 इंच का फ्रंट टायर दिया गया है, जिसे सुपर ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो जाता है कि छोटे टायर से आपको सिटी और हाईवे में अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिलने वाला है। वहीं कुछ चीजें टेस्ट मॉडल में देखने को फिलहाल अभी नहीं मिल रहा है, जैसा कि विंड स्क्रीन अभी इसमें दिया गया नहीं है और जो फ्रंट में सस्पेंशन है उस पर गेटर्स भी अभी देखने को नहीं मिल रहा है। इससे ये इशारा हो सकता है कि ये रोड वेस्ट हिमालयन होने वाली है। वहीं इसके इंजन की बात करें तो इसमें ओल्ड वाला ही इंजन यूज किया जाएगा, जो 411 सीसी का इंजन होता है वही इंजन इसमें यूज किया जाएगा। हो सकता है कि इसमें जो ट्यूनिंग है इंजन में कुछ ट्यूनिंग दिया जा सकता है, ट्यूनिंग किया जा सकता है, जिससे थोड़ा बहुत आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। अगर आप ये सोच रहे कि ये हिमालयन 650 है तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें, क्योंकि जो हिमालयन 650 है वो यूके के टेक सेंटर में उसको बनाया जा रहा है। अगर आप हिमालयन 650 के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और वहीं बात करें इसके लॉन्चिंग की, तो इस साल के एंड तक इस बाइक को लॉन्च कर दिया जाएगा। और वहीं इसके प्राइसिंग की बात करें तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 10,000 से 15,000 रुपये कॉस्टली होने वाली है ओल्ड वाले हिमालयन से। बट अभी इसका कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, जैसे भी कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों फिलहाल नेक्स्ट जनरेशन हिमालयन का ज़्यादा जानकारी अभी आउट नहीं हुआ है, जैसे भी कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर अपडेट कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विथ बाइक।